तो आप लोगों को तो अंदाजा आ ही गया होगा कि आज मैं सिखाने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का जो हिंदी का दूसरी इकाई का तीसरा जो लेसन है, लकड़हारा और वन। लकड़हारा, लकड़हारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मराठी में उसको सुतार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं जो लकड़ी काटने वाला रहता है उसको? ठीक है, तो मुझे तुम लोग कमेंट करके बता देना, ओके? तो लकड़हारा और वन, वन यानी फॉरेस्ट, जंगल। अरविंद भटनागर जी की यह कहानी है एक लकड़हारे की। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंट्रोडक्शन, ओके? तो इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो परिचय, अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। एकांकी मीन वन एक्ट प्ले होता है ना, तो उस नाम से वो फेमस है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। तो जब भी उन्होंने एकांकिका लिखे हुए है, तो उन्होंने हमेशा उनकी जो भी नाटक थे उसमें उन्होंने पर्यावरण परिरक्षण, हमारा जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसका रक्षण करना चाहिए, हम लोग को वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए एवं वृक्ष संवर्धन। सिर्फ पेड़ लगा देने से काम हो जाता है क्या? नहीं, तो उन पेड़ों को पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए, है ना, तब कहीं जाकर वो अच्छे से बढ़ते हैं। तो वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। उन्होंने हमेशा अपनी कहानियों में उसे ही इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ज़्यादा उसी के ऊपर वो अपनी कथाएँ लिखते हैं। गद्य संबंधी, अभी है ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को कन्फ्यूजन होता है गद्य और पद्य क्या होता है। गद्य यानि लेसन्स और पद्य यानि कविताएं जो होती है ना, उन्हें पद्य कहते हैं, और गद्य यानि जो भी लेसन्स होते हैं उन्हें गद्य कहते हैं। तो अभी मुझे कैसे पता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम होता होगा, तो मुझे ही होता था ये प्रॉब्लम। ये गद्य और पद्य मैं हमेशा उल्टा ही समझती थी, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। अभी मुझे कन्फर्म है तो मैं आप लोग को भी बता देती हूँ। मुझे तो भाई बहुत देर से समझ में आया गद्य पद्य में का फर्क, लेकिन आप लोगों को इतनी जल्दी ही समझ में आ रहा है। तो गद्य संबंधी यानी अभी इस लेसन में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। तो अभी ये लेसन में जब भी हम लोग स्वमत लिखते हैं ना, स्वमत मीन्स अवर ओन ओपिनियन, मत मीन्स व्हाट, ओपिनियन, स्व मीन्स माय, माय ओन ओपिनियन, जब भी आप लोग लिखते हैं स्वमत, तो उसमें आप लोगों को ये जो गद्य संबंध जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये काम में आएगा आप लोग को लिखते समय। तो अगर आप लोग शुरू करेंगे ना, प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है, एक दो लाइन भी, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, तो वो इस लेसन में वो कहते हैं कि पेड़ पौधों से शुद्ध हवा मिलती है, पानी भी मिलता है हम लोगों को, क्योंकि जो पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो पानी को भी जकड़ के रखती है, और फल मिलते हैं। तो अभी इतना ही आप लोग समझ लेना भाई, वरना ये सब तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को साइंस के लेसन्स में मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का रक्षण, संरक्षण करना चाहिए। इसलिए हमें पेड़ पौधों का और वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो निबंध लेखन में आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को अगर स्कूल में से कुछ दिए हैं वृक्ष के बारे में, हिंदी में या मराठी में लेखन, निबंध लेखन करने के लिए, तो ऑलरेडी अपने चैनल पर ऑल निबंध लेखन अपलोड किए हुए है, और ऑल टॉपिक के, ऑल सब्जेक्ट के अपलोड किए हुए है। तो आप लोग जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मौलिक सृजन, प्रकृति हमारी गुरु, अभी इम्पोर्टेंट एक अच्छी बात जो है, प्रकृति हमारी
गुरु, ये जो कुदरत है ये क्या है, हमारी गुरु है, इसके ऊपर अपने विचार लिखो। देखो यहाँ पर आ गया आप लोगों का स्वमत। ओके, नेचर इज अवर टीचर। ओके, तो इस विषय पर अपने विचार लिखो। तो जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखेंगे ना बच्चों, तभी हम लोग ये भी लिख देते हैं। ओके, तो अभी शुरू करते हैं लेसन। लेसन 3, लकड़हारा और 1। ओके, पात्र, अभी देखो ये है ना एक प्ले है। ओके, नाटक है, तो ये एक कन्वर्सेशन होगा इस नाटक के अंदर। ओके, तो पात्र मीन्स कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें, लकड़हारा, लकड़हारा, फिर उसके बाद है एक दूसरा जो व्यक्ति है, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान गौर जो है वो एक गांव का सीधा साधा इंसान बना हुआ है, उसने रूप बदला हुआ है अपना भगवान ने। ओके, फिर लकड़हारे की पत्नी है एक, और एक हरा भरा पेड़, और एक हरा भरा पेड़ है उसमें। ठीक है, तो पहला दृश्य, अभी पर्दा उठा, अभी फर्स्ट सीन जो है, दृश्य यानी सीन जो है शुरू होता है। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। अभी एक जो लकड़हारा है वो टहलता हुआ यानी चलते चलते मंच पर आता है, यानी वो स्टेज पर आ गया है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। लकड़हारे के हाथ में क्या है, कुल्हाड़ी, जिसे वो लकड़ी काटता है ना वो है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अभी वो पेड़ के पास आया, अभी लकड़हारा है वो तो पेड़ काटेगा, फिर लकड़ी बेचेगा, फिर उसको 4 पैसे मिलेंगे, फिर वो अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेकर जाएगा। ठीक है, तो वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है लकड़हारा, पेड़ को देखकर। अभी उसने ट्री को देखा, अभी वो बोल रहा है चलो आज इसी पेड़ को काटे। तो अभी उसने क्या सोचा, पेड़ को उसने देखा, उसने सोचा कि चलो आज मैं क्या करता हूँ, इसी पेड़ को काटता हूँ, इसी ट्री को कट करता हूँ, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो आज इसे बेचकर उसकी बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए मैं क्या करूँगा, रोटी का इंतजाम हो जाएगा, यानी आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अभी पेड़ की जो डाली थी स्टेम काटने के लिए वह कुल्हाड़ी चलाता है। ओके, तो क्या हो गई, कुल्हाड़ी जो थी उसके हाथ से छूटकर कहाँ पर गिर गई, वो नदी में गिर गई। लकड़हारा, अभी इमेजिन करो तुम लोग कि एक लकड़हारा है वो पेड़ काट रहा है, फिर उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर गई। ओके, लकड़हारा चिंतित एवं दुखी, चिंतित मीन्स वरीड एवं दुखी यानी सैड स्वर में अभी वो बोल रहा है, दुखी होकर, सैड होकर, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, अभी उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नीचे, तो उसने बोला ओ गॉड मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, अभी नदी का जो पानी है वो बहुत ही डीप है। ओके, गहरा मीन्स डीप है, तैरना आता नहीं और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, अभी पेड़ जो है उसे मैं कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, अगर कटी नहीं पेड़, लकड़ी कटी ही नहीं तो फिर बेचूंगा क्या मैं, और आज बच्चे क्या खाएंगे, और उसने बोला आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते है। अभी ये सब उसकी बातें जो है वो भगवान सुन रहा है। ठीक है, और एक ऑर्डिनरी विलेज मैन का रूप लेकर भगवान वहां पर आते हैं, स्टेज पर आते हैं। मंच मीन्स व्हाट, मंच मीन्स स्टेज पर धारण करना, वेश धारण करना यानी कॉस्ट्यूम बोलते ना, चेंज करके भगवान जो अपने जो कॉस्ट्यूम है उसे उन्होंने चेंज कर दिया, और एक ऑर्डिनरी विलेज मैन के रूप में वो स्टेज पर आए। ओके, तो
ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अभी भगवान के लिए उन्होंने ग्रामीण यानी विलेजर जो है उसका ही नाम दिया है यहाँ पर। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तुम बहुत सैड दिख रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, बहुत ही सैड वर्ड्स में बोलता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अभी एक लकड़हारे के लिए कुल्हाड़ी सब कुछ होती है, एक तो वो है ही बहुत गरीब, ऐसा नहीं है कि चलो एक कुल्हाड़ी गिर गई तो दूसरी खरीद ली और फिर उसने यही किया, उसके पास इतने पैसे है नहीं। मुश्किल से वो लकड़ियाँ काट कर अपनी बीवी बच्चों का पेट भर रहा है, ठीक है। जो एक कुल्हाड़ी थी वो भी अभी गिर गई नदी में, तो अभी इन लोगों को सबको भूखा रहना पड़ेगा, वो इतना गरीब है लकड़हारा, ठीक है। मेरा तो सब कुछ चला गया। अभी जिस कुल्हाड़ी के कुल्हाड़ी को एक्स बोलते, ठीक है, एक्स के सहारे जो मैं लकड़ियां काट कर बेचता था, तो एस मेरा तो सब कुछ चला गया। अभी जो उसका इनकम का जो सोर्स था वो सोर्स ही चला गया, तो अभी वो क्या बेचेगा और क्या खाएगा? ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। फिर भगवान ने कहा, ग्रामीण ने कहा, विलेजर ने कहा कि यस ब्रदर यू आर राइट। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा, अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर दोगे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। अभी ये जो ग्रामीण था उसने बोला, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, तुम दुखी मत होना। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने ये कहानी सुनी हुई ही होगी लकड़हारे की, तो अभी इस प्ले में भी वही सेम रिपीट हो रहा है। तो अभी वो जो विलेजर था वो पानी में गया, नदी में कूदा और वो नीचे जाकर उसने चांदी की यानी सिल्वर की जो कुल्हाड़ी थी उसे निकाल कर वो बाहर लेकर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अभी भगवान ने आकर उसे कहा कि बहुत लकी हो तुम, भाग्यवान यानी लकी हो, तो ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, ये लो तुम्हारी सिल्वर की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, उसने बोला, नहीं बाबा ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। ओके, अभी उसने क्या किया, गोल्ड की कुल्हाड़ी वो लेकर बाहर आया। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। उसने पूछा, मिल गई क्या मेरी कुल्हाड़ी? तो फिर गौर जो थे वो विलेजर्स बने हुए थे, उन्होंने कहा हाँ मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी, गोल्ड की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ। उसने बोला, नहीं नहीं ब्रदर मैं तो बहुत ही पुअर हूँ, गरीब मीन्स पुअर हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं, तो मेरी तो ये है ही नहीं। दुखी होकर अभी और सैड हो गया। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। उसने बोला, जाने दो, अभी आप ज़्यादा मेहनत मत करना, ऑलरेडी तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट किया हुआ है, मेहनत की हुई है। ग्रामीण, बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? अभी जो भगवान है वो बोल रहे, कह रहे नहीं नहीं इसमें क्या है, कष्ट की क्या बात है, इसमें क्या मेहनत की बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। अगर कोई भी मुसीबत आ जाती है, डिफिकल्टीज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोगों को एक दूसरे के काम में आना ही चाहिए, ठीक है, हमारा धर्म है, यही हमारा क्या है, धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ आपकी कुल्हाड़ी निकालने की। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है, अभी जो आयरन की जो कुल्हाड़ी थी उसे वो निकालता है। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, तो इस बार ये लो भाई ये आयरन की कुल्हाड़ी हाथ में लगी है। लकड़हारा,
अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश होता है। अभी वो बहुत हैप्पी हो जाता है, अरे मेरी कुल्हाड़ी मिल गई, मेरी कुल्हाड़ी मिल गई करके। तुम लोगों को कैसे खुशी होती है ना, तुम लोग की कोई कुछ चीज़ खो गई, चाहे वो रबरी क्यों ना हो, पट्टी क्यों ना हो, और मम्मी ने बोला रहेगा अभी तुम्हें नई पट्टी नहीं मिलेगी, ढूंढ के निकालो तुम्हारी पट्टी कार की तुमने, है ना। तो फिर तुम लोग ढूंढते 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 फिर मिलते, तो तुम लोग कितनी खुशी होती है ना। तो इसी तरह से उसको भी खुशी हो गई, ठीक है, कि उसकी कुल्हाड़ी उसे मिल गई। तुम्हारे यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, ये जो भी तुमने मेहरबानी की है मेरे ऊपर वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो हम लोग ऐसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, वैसे उसने कहा। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी वो कन्फ्यूज है थोड़ा कि उसने पूछा, भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, लकड़हारा हाथ जोड़कर वह क्या। अभी वो गरीब इंसान है बेचारा, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि क्या क्या समझ में नहीं आया आपको, मेरी कौन सी बात समझ में नहीं आई। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? अगर कोई दूसरा होता सिल्वर गोल्ड देखता तो क्या बोलता है ना, अरे मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है। लेकिन उसने क्या बोला, उसकी नहीं थी तो उसने बोला ये मेरी नहीं है, सिल्वर की भी नहीं है मेरी, सोने की भी नहीं है, और सॉरी सिल्वर की यानी चांदी की भी मेरी नहीं है, और गोल्ड यानी सोने की भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तो तुमने ऐसे क्यों कहा, है ना। लकड़हारा, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। अगर पानी में किसी की गिरेगी और उसे मैं अगर अपनी कहता हूँ तो वो बात ठीक नहीं है। अभी इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम लोग पट्टी ढूंढ रहे हो और तुम्हें पट्टी नहीं मिली, तो भगवान आया तुम्हें चांदी की पट्टी दी, सोने की पट्टी दी, तुमने बोला नहीं नहीं ये मेरी पट्टी नहीं है, फिर जो तुम्हारी पट्टी खो गई थी वो भगवान ने ला कर दी, ये लो बेटा तुम्हारी पट्टी, ये है क्या, तुमने बोला हाँ हाँ ये है मेरी पट्टी, है ना। तो इसी तरह से भगवान को भी अजीब लगा, बोलते अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई सोना दिया चांदी दिखाया फिर भी ना बोला इसने, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था ये सब। फिर उसने क्या जवाब दिया वो इम्पोर्टेंट है, कि दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। तो कभी कभी तुम्हें पट्टी नहीं मिली, तुम लोग गए अपने भाई या बहन के पट्टी कंपास में से निकाली एक पट्टी, फिर बोले अगर मम्मी ये देखो मेरी पट्टी मिल गई, बेचारी वो लटक गई। फिर ऐसे करना चाहिए क्या हम लोगों को? नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ही पट्टी ढूंढकर निकालनी चाहिए। दूसरे की चीज़ चाहे वो रियल ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, हमें नहीं लेना चाहिए। और मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। तो जो भी मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, उससे मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है, दैट इज माय प्रॉपर्टी। ओके, मेहनत करना, अगर तुमने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाई की, लेसन्स वगैरह पढ़े, तो तुम्हें 101% अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। शालिनी उबलीकर चैनल रेगुलर देखते रहोगे तो भी 101% तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे ही। ओके, टॉपर बनोगे ही तुम लोग, इसकी फुल गारंटी है ना। तो मेहनत करके कोई भी चीज़ अच्छे से समझ कर करने से हमें फायदा मिलता है। तो उसे इतना समझता है कि जो मेरी चीज़ है मुझे वही लेनी है, किसी दूसरे की चीज़ को मुझे हाथ नहीं लगाना है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में ही यहाँ इस एक्ट में हम लोगों को क्लियर कर दिया था कि जो गॉड है उसने एक विलेजर का रूप लेकर वो लकड़हारे के सामने आता है। अभी वो बैक स्टेज गया, फिर उसने गॉड का ड्रेस पहना और फिर से वो स्टेज पर आया। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अभी भगवान आए, उन्होंने बोला अरे यू आर ग्रेट, ओके, ये जो तुम्हारी ईमानदारी है ना ये मैं देखकर बहुत ही हैप्पी हो गया हूँ, खुशी हो गया हूँ, लेकिन एक शर्त पर। लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे।
तुम ग्रीन जो एकदम अच्छे अच्छे पेड़ है उन्हें तुम नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, और ना ही तुम ज्यादा ग्रीड करके जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी काटोगे। देखो भी भगवान ने क्या कंडीशन रखा उसके सामने, तुम्हें जो एकदम ग्रीन और फ्रेश ट्रीज है, अच्छे अच्छे ट्रीज है, उन्हें तुम्हें नहीं काटना है, और अगर कोई सूखी हुई भी लकड़ी तुम काट रहे हो, तुम्हें जितना जरूरत है उतना ही काटो, है ना, अननेसेसरीली ज्यादा उसको मत काटो, ठीक है। तो ऐसे भगवान ने उसे कहा, लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। उन्होंने कहा मुझे शर्त मंजूर है, ठीक है, आई एम एग्री। फिर अभी पर्दा गिरता है, तो वहां पर कर्टन जो है वो नीचे गिरता है। अभी दूसरा दृश्य, अभी सेकंड सीन स्टार्ट हुआ। मंच पर लकड़हारा सो रहा है, अभी वो जो लकड़ी काटने वाला है वो मंच पर सो रहा है, ठीक है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है, उसकी वाइफ जो है वो आवाज देती है बैक स्टेज से, ओके। मंच यानी स्टेज, मंच के पीछे से यानी बैक स्टेज से उसकी पत्नी आवाज देती है, पत्नी, अरे रामू के बापू। अभी देखो जो पत्नियां होती है ना, पति को ऐसे नाम से आवाज नहीं लगाती, तो वो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे के पापा, वो जैसे तुम्हारी जो दया बहन थी वो तप्पू के पापा बोलती थी ना, वैसे ही ये बोलती है रामू के बापू, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। अभी वो उन्हें उठा रही है, जगा रही है कि आप तो अच्छे मस्त एकदम रिलैक्स सो गए हो, क्या आज लकड़ी काटने के लिए नहीं जाना है क्या आपको। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान, अभी वाइफ को भगवान कहते है, ओके, भगवान यानी भगवान, भगवान यानी भगवान, ठीक है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। अभी वो उठ गया, अपनी कुल्हाड़ी ली उसने, फिर वो जंगल की ओर जाने लगा, लेकिन वो मन ही मन सोच भी रहा है, कुछ थिंकिंग कर रहा है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। अभी दूर दूर तक कहीं पर भी जंगल दिखाई ही नहीं दे रहा है, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अभी जो भी जंगल थे वो क्या होते जा रहे, कटते जा रहे हैं, और आगे क्या है, सीमेंट के जंगल, यानी सीमेंट का जंगल यानी क्या, पूरे फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, होटल्स बनाए गए हिल स्टेशंस के ऊपर। तो वो लकड़हारा बोल रहा है कि जो अभी ट्रीज है, जंगल जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सब जहाँ देखो वहाँ सीमेंट के जंगल यानी बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठता है, फिर उसको ठेंच लगी उसके पैर में और उसको चोट लग गई, वहां पर जख्म हो गया, और वो बेचारा क्या करता है, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। अभी वो पेड़ों के जंगल की ओर चलते चलते थक गया है, ठीक है। अभी इतना दूर तक चलने के बाद भी उसको जंगल नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारा सोचते सोचते चल रहा था, तो उसके ठेस लगी, फिर वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठा, फिर उसको ठंडी हवाएं आने लगी, उसने बोला कि आहा हा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश हो गया हूँ मैं, और मेरा सारा टायर्डनेस जो है वो दूर हो गया है। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर कुल्हाड़ी संभालता है, फिर थोड़ा आराम करता है, फिर उठता है, अपनी कुल्हाड़ी संभालता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करे, कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। तो अभी उसने बोला कि चलो अभी क्या करता हूँ, इसी पेड़ को मैं काट लेता हूँ, ठीक है,
इसी को मैं अभी साफ कर देता हूँ, उसको काट देता हूँ पेड़। अरे अरे यह क्या कर रहे हो? अभी जो ट्री है वह उसे बात कर रहा है कि अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है। एक पेड़ मेरे साथ बात करेगा, कोई इमेजिन कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो पेड़ ऐसे बोला तो वो बेचारा चौंक गया और फिर देखता है, अरे अरे कौन बोला कौन बोला कौन बोला, ऐसे देखता है वो पेड़। अरे भाई यह तो मैं हूँ, अभी वो पेड़ बोल रहा है कि मैं हूँ। लकड़हारा डर कर कौन? भूत। अभी डर के मारे उसको क्या लगा, भूत है। वैसे तो भूत भी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन गांव के लोग ऐसे समझते हैं। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। तो अभी वो बोल रहा है कि मैं ट्री ही बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। लकड़हारा आश्चर्य से, अभी वो बहुत सरप्राइज हो गया, अरे ट्री कैसे बात कर सकता है भाई मेरे साथ में? पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? अभी वो लकड़हारे ने उसको पूछा, पेड़ तुम क्या बोल सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, यानी पेड़ जो होते हैं वो भी जिंदा होते हैं ना, वो बोलता है कि मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी जान है, लाइफ है मुझ में भी, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया है? बेकसूर यानी मैंने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं है, तो तुम मुझ पर क्यों वार कर रहे हो? तो कुल्हाड़ी मुझ पर क्यों मार रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूँ, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। अभी लकड़हारा बोल रहा है, भाई मैं क्या करूँ, मेरे चार चार बच्चे हैं, उन्हें खाना खिलाने के लिए मेरे पास पेड़ों को काटना और बेचना यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, यानी मेरा डेली अर्निंग का यही एक सोर्स है। ओके पेड़, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। अभी उसने बोला कि अभी तुम्हारे घर में ज़्यादा बच्चे हैं, अभी जिधर ज़्यादा बच्चे होंगे उधर ज़्यादा खाना लगेगा, ज़्यादा खाना लगेगा तो ज़्यादा पेड़ काटेंगे। तो उसने बोला कि जितने ज़्यादा बच्चे उतना दुख ज़्यादा, ठीक है। अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो अभी कॉन्वर्सेशन में अगर आप लोग को बोलेंगे कि आप पेड़ के साथ बात कर रहे हो तो क्या बात करोगे, तो उसमें आप लोगों को ये जो इसमें के डायलॉग्स हैं ना वो काम में आएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें प्योर एयर देता हूँ, हवा देता हूँ, पानी देता हूँ और खाना भी देता हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ और तुम मुझे ही काट रहे हो। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? अभी वो बोल रहा है कि ये तो तुम्हारा काम ही है, हम लोग को शुद्ध हवा देना, खाना देना, पानी देना, ये तो तुम्हारा काम ही है, तो इसमें तुम क्या मेरे पे क्या मेहरबानी कर रहे हो? तुम तो तुम्हारा काम कर रहे हो। पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। अभी पेड़ क्या कह रहा है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं तुम पर मेहरबानी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, तो लेकिन तुम भी तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि जिंदा रहने के लिए तुम्हारे लिए पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो पेड़ क्या बोल रहा है, तुम्हें सांस लेने के लिए जो भी हवा लगती है, शुद्ध हवा लगती है, तो वो तुम्हें देने का काम कौन करता हूँ? तो मैं ही करता हूँ। अभी जैसे कि हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, इंसान को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना, और पेड़ों को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उनका जो फूड वो लोग तैयार करते हैं उसके लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना उसको, तो उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, ठीक है। अभी हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको छोड़ देते हैं बाहर, है ना, और एयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पेड़ ले लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया वो लोग करते हैं उसके बाद वो लोग एयर में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जंगल काटने की वजह से, ज़्यादा पेड़ काट देने की वजह से
हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ है अगर हम लोग उन्हें ही काट देंगे तो फिर हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना, सीधी सी बात। तो इसके लिए हम लोगों को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदा रखते हैं वो, इसके लिए वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखो अभी तो घर पे भी हम लोग पेड़ लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो लोग उनके लिए उसको यूज़ करते हैं, और हवा जो रहती है हमारे घर में की वो फ्रेश रहती है, और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। और गार्डन में भी लगाते हैं, गैलरी में भी लगाते हैं, इसके लिए पेड़ों को लगाना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अभी उसने कहा कि मैं क्या करता हूँ, शुद्ध करने का काम करता हूँ हवा को, लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, मेरे सामने भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, समस्या मीन्स प्रॉब्लम्स, पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। अभी वन्य पशु यानि जंगल में रहने वाले जो जानवर है, लायन, टाइगर, अभी तुम लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में भी कि थाना में वो टाइगर्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, गोरेगांव की जो आ रही कॉलोनीज है वहाँ पर भी वो टाइगर जो है वो रास्ते पे टहलते हुए दिखाई देते हैं, कहीं भी कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग में जाता है तो रास्ते पे टाइगर्स बैठे हुए रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग। अगर तुम लोगों ने जंगल ही काट दिए उन लोगों के तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, फिर लोग घुसते हैं गाँव में, घुसते हैं शहरों में, घुसते हैं, बेचारों को रहने के लिए जगह ही नहीं है, उनकी जो जगह है जंगल वो हम लोगों ने कैप्चर कर ली है, उसको तोड़ दिए हैं हम लोगों ने, तो वो जाएंगे कहाँ, है ना। और फिर चिड़िया जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो लोग पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, अंडे डालते हैं, वो लोग सब कहाँ जाएंगे, है ना, वो बेघर हो जाएंगे ना। एक तुम्हारा घर चलाने के लिए तुम इतने सारे लोगों को बेघर करोगे, ऐसे वो पेड़ कह रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे भाई। तो यदि तुम हमें काटते रहे, अगर तुम इसी तरह से जंगल काटते रहे, पेड़ों को काटते रहे, तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे, है ना, पेड़ काट देने के तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ, तो फिर मैं क्या करूँ भाई, मेरा घर, मेरे भी बच्चे, इन लोगों को मैं भूखा पैसा रख दूँ, मैं मेरा काम धंधा छोड़ दूँ, ऐसे वो पूछ रहा है पेड़। मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, और एक दिन, उसने बोला मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम अपने बीवी बच्चों को भूखा रखो, अपना घर उजाड़ दो, लेकिन इसी तरह से अगर तुम हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, अच्छी बारिश कैसे होगी, और एक दिन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन, लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी सारी बातें कबूल है, मैं मानता हूं तुम्हारी हर बात को, लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अभी वो पेड़ उसे समझा रहा है कि कम से कम अपने हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। अभी जो ग्रीन ट्रीज है काटो और मत काटो और उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, उन्हें अपने बच्चों की तरह पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे, क्योंकि सब जगह पे ग्रीनरी ही रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है, और उसने एग्री किया और उसी समय में पर्दा भी गिर जाता है। तो इस तरह से ये जो कहानी है लकड़हारे की बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, और फिर हम लोगों को इसमें से बहुत अच्छा मैसेज भी मिला हुआ है। कन्वर्सेशन में लिखते समय भी आप लोगों को काम में आएगा ये कन्वर्सेशन, ये जो कनेक्ट प्ले है वो। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं जल्दी अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।